नमस्कार, हम बलराम किसान हैं, बड़वानी मध्य प्रदेश से, और आप हैं किसान पाठशाला पर। काफ़ी सारे मित्र मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं इसलिए मैं रिपीट रिपीट करता हूं। आज का विषय है केले की खेती में आने वाले समय में CMV वायरस आएगा, उसकी तैयारी आज से कर लो, वरना केले उखाड़कर फेंकने के अलावा एग्रोनॉमिस्ट आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो बनाना फार्मर मेरे साथ बने रहे हैं 5 से 10 मिनट। CMV नहीं आए उसके लिए मैं बता रहा हूँ प्रिवेंटली, आ जाए उसके लिए भी मैं बतलाऊंगा अगले वीडियो में। CMV वायरस पर हमने काफ़ी प्रयोग किए हैं पिछले साल नांदेड़ में, मेरा काफ़ी सारा पोर्टफोलियो रहा। नांदेड़ के किसानों के साथ हमने अंतर्वर्ती फसल लगाई केले में, अंतर जो फसल लगी थी उसमें केला लगाया, किसी में CMV आया नहीं। मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, सिंगल वर्ती फसलें लगा रहे हैं, एग्रोनॉमिस्ट की सुन करके पेस्टिसाइड्स का स्प्रे केले के ऊपर कर रहे हैं, तो जो वायरस होता है ना, जब सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड आप डालोगे तो वो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड के साथ में वायरस मिल करके पौधे के रोम रोम में चला जाता है। आपने इमिडाक्लोपिड डाला, केले में सिस्टमेटिक जाएगा, तो जो वायरल है CMV वाला कुकुम्बर मोज़ेक वायरल, वो भी प्लांट के साथ अंदर जाता है और रोम रोम में फैल जाता है। फिर आप भूल जाओ, उस पौधे को उखाड़ने के अलावा कोई इलाज नहीं। एक तो हमने पैसे लगा करके स्प्रे किया, मजदूर लगाया, हमने खेत को खराब किया, प्रकृति को खराब किया, दुकानदार का भला किया, एक्चुअली दुकानदार का भला नहीं है, उस कंपनी वाले का भला है। दूसरा, हमने केला उखाड़ करके भी फेंक दिया, पैसे लगाकर हम केला उखाड़ रहे हैं। कुकुम्बर मोज़ेक वायरस आए ही ना, मोनोक्रॉपिंग करो, केला लगा रहे हो मई में, जून में, जुलाई में, इन तीनों टाइम वाले केले की प्लांटेशन पर आता है। एक कम साइकिल वाला पौधा लो, जो रेवा फ्लोरा कल्चर दे रहा है आपको 4 साइकिल, 6 साइकिल और 1 साइकिल बीके बनाना। दूसरा, आप गठान लगाएं या कोई सा भी पौधा लगाएं, कम साइकिल का लगाओगे तो वायरल कम आएगा, आया भी तो रिपेयर होगा। मेरे कई सारे प्लाटों पर आज भी CMV वायरस के पौधे बंच दे रहे हैं और 18 रुपये किलो में माल कट रहा है, ठीक है। खैर, कम साइकिल वाला पौधा लगाएं। दूसरा, प्लांटेशन करने के बाद पहली दूसरी पत्ती आए, अभी गर्मी में निश्चित है आप सन और मक्का लगा करके कीजिए, ताकि पौधा टॉलरेंस रहे। डायरेक्ट धूप में प्लांटेशन नहीं करना है, क्लाइमेट कंट्रोल करके करना है, तो ये मोनोक्रॉपिंग को भी हटाता है। आपने अगर लाइन से लाइन 5 पौधे से पौधा 5 रखा है, तो जो 5 फीट की दूरी उसके बीच, ठीक बीच में 2.5 फीट पर 2 मक्का के दाने। लाइन से लाइन 5 पौधे से पौधा 6 रखा है, तो ठीक बीच 3 फीट पर 2 मक्का के दाने। लाइन से लाइन 5 पौधे से पौधा 7 रखा है, तो 4 मक्का के दाने ठीक बीच सेंटर में, पौधे के पास नहीं, 2 पौधों के बीच में। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अंतर्वर्ती फसल होगी, बीच की लाइन में जैसे ही बारिश आए सोयाबीन बो दो, सबसे प्रीमियम रिजल्ट। नांदेड़ के मेरे पिछले साल के आप वीडियोस देखिए, काफी सारे किसानों ने सोयाबीन के प्लाट में केला लगाया, उसमें एक में भी CMV नहीं आया। किन्हीं ने केला लगा दिया था, बीच में सोयाबीन के दो डोरे बो दिए, तो सोयाबीन की फसल आपके मजदूर का खर्च निकाल देगी और खेत में CMV आने नहीं देता है। ये हमने किसानों ने प्रयोग किया है, किसी यूनिवर्सिटी का मुझे पता नहीं उन किताबों में क्या लिखा है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। हम किसानों ने जो प्रयोग किए हैं खेतों में, उसके वीडियोस किसान पाठशाला चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं। किसान चाहे 10,000 पौधे लगा रहा है तो 1,000 पौधे में बीच में सोयाबीन का डोरा चला दे, बो दे, 1 साल रिजल्ट देखे, अगली बार प्रयोग करे, प्रयोग करो, मजा आएगा। और डॉक्टर हम खुद किसान हैं, डाटा जो रहते हैं ना वो गड़बड़ रहते हैं, हम खुद प्रैक्टिकल करते हैं वो सही रहते हैं। मोनोक्रॉपिंग करो, मक्का लगाओ, बीच में सोयाबीन बो दो, कुकुम्बर मुझे वायरस आएगा नहीं। कम साइकिल का पौधा लगाओ, आया तो जल्दी रिपेयर होगा। उसके साथ साथ VM स्प्रे करो, मिट्टी का स्प्रे, हाँ केले के ऊपर मिट्टी का स्प्रे करो, वायरल पत्तों पर बैठेगा नहीं, बैठा तो गायब हो जाएगा, भग जाएगा, नाट जाएगा, आपके केले के अंदर नहीं जाएगा। मिट्टी का स्प्रे कैसे करना है, 200 लीटर पानी, 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसनोमेटा, 24 से 36 घंटे रखे रखना है, उसको 1 से 2 बार हिलाना है, 2 बार कप्पड़ छान करना है पौधे पर, 10-10, 12-12 दिन में स्प्रे करना है, मैक्सिमम 14 दिन में स्प्रे करना है। इल्ली आएगी नहीं, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस आएगा नहीं, आया तो जल्दी रिपेयर होगा। पौधा थोड़ा सा ऊपर बेड पे लगाना है, जो नाली बनाकर गड्ढे में लगा रहे हैं, निश्चित कुकुम्बर मोज़ेक वायरस आएगा, क्योंकि गठान सड़ने लगती है। एक्चुअली वायरस का
इफेक्ट ऊपर से कम है, नीचे के पानी के निसरे से है। आप जहां भी प्लांटेशन करो, गठान का, रोप का, पौध का, बराबर में करो, उसके साइड में नाली बना दो, ताकि जो पानी आएगा वो नाली में निसर कर निकल जाएगा। जिसकी हेवी ब्लैक सॉइल है, हल्का बेड बनाओ, राइस बेड, उसके ऊपर प्लांटेशन करो, ताकि साइड से पानी निकल जाए। अगर पानी निकलने की निकासी नहीं कर रहे हैं, गठान सड़ेगी, उसकी जड़ें सड़ेगी, और जो भी वायरल फंगल है, सॉइल बोन डिसीज है, तुरंत आएगी, फिर इलाज नहीं है। ये आने के पहले के मैंने इलाज बताए। मिट्टी कहाँ की लेना है ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, वीडियो बार बार रोक रोक कर सुनना, या रिपीट करके सुनना, या नोट्स बना लेना। मिट्टी लेना है जंगल की, जहां कभी भी यूरिया, डीएपी, पोटास नहीं डाला हो, कभी खेड़खाड़ नहीं करी हो। कांटे वाले पेड़ के नीचे की मिट्टी नहीं लेना है, बरगद, पीपल, नीम या खुशबू वाले पेड़ पौधे के नीचे की मिट्टी लेना है, वो पॉजिटिव रहती है। उसको 5 फीट गहरा गड्ढा करना है, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी छिलना है, 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी लेना है, 200 ग्राम वाइसिनोमेटा 24 से 36 घंटे रखना है, 2 दिन हिलाना है, 2 बार कपड़े से छानना है, और पौधों पर स्प्रे करना है। मिट्टी कहीं खरीदने जाने की आवश्यकता नहीं है। उस गड्ढे को आइट साइड में पाल बना दो, और ऊपर से वापस एयर टाइट सील पैक प्लास्टिक से ढक दो, ताकि बारिश आएगा तो उसमें पानी न घुसे और सूर्य की रोशनी उसके अंदर न घुसे। तो उस गड्ढे का आप मिट्टी रिपीट 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 बार बार कितनी बार भी ले सकते हो। अगर उस गड्ढे में रोशनी जा रही है, वहां पानी घुस गया, तो फिर वहां की मिट्टी आपके काम में उतनी आएगी नहीं। मिट्टी का स्प्रे क्यों बता रहा हूं? चिंतला वेंकटारामा रेड्डी जी ने इस पर पेटेंट लेके रखा है, बहुत सारे शोध हुए हैं, भारत सरकार ने उसमें उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। जिस व्यक्ति ने मिट्टी के स्प्रे के फायदे दुनिया को बताए, उनको अवार्ड दिया गया है, और वर्ल्ड वाइड यह स्प्रे पेटेंट है। केवल भारत में आप स्प्रे करोगे तो इसका पैसा नहीं लगेगा, भारत के बाहर कोई स्प्रे करेगा तो चिंतला वेंकटारामा रेड्डी जी उन पर केस कर सकते हैं और उनसे पैसा ले सकते हैं। आप ढूंढिए गूगल पर मिट्टी के स्प्रे क्यों इंपोर्टेंट है। तो केले में सीएमवी वायरस आए नहीं, ये उसके प्रपोर्शन है। आ जाएगा, इसके लिए मैं फिर बाद में बताऊंगा। जो जो आदमी गलती कर चुके होंगे, उनको मैं जुलाई 15 के बाद, 15 अगस्त तक, जब सीएमवी वायरस से लड़ेंगे, 15 सितंबर तक उखाड़ कर फेंकते रहेंगे, जब मैं आपको इलाज बताऊंगा जो आ गया है उसको कैसे ठीक करें। आए नहीं, उसके लिए बताया है। केले के किसान, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हर ग्रुप में भेजो। अगर मेरी 10 बातों में से एक बात भी सुनकर आपकी फसल में कुछ फायदा होता है, तो शायद मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। जो किसान पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तुरंत लाल बटन को टच कीजिए, और साइड में बेल आइकन है उसे भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आप तक पहुँचे, और आप भारत की खेती में अपना योगदान दें, कम खर्च में उत्पादन बढ़ाने में। थैंक यू।